तो हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं मेटलर्जी प्रोसेस के अगले स्टेप में, जहाँ पर हम ये देखेंगे कि अगर कोई नेचर से जो ओर मिलता है उसको हम कॉन्सनट्रेशन किस मेथड से करते हैं। तो देखिए, ओर को कॉन्सनट्रेशन करने के तीन मेथड्स हैं। सबसे पहला है ग्रेविटी सेपरेशन, दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन और तीसरा है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गाँव में जब गेहूँ कट करके आता है तो आप लोग उसमें देखेंगे बहुत सारे कंकड़ पत्थर और बड़े 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 गेहूँ के छोटे छोटे धान उनके पार्टिकल रह जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, उसको वॉश करने के लिए क्या करते हैं, जब पानी में डालते हैं तो जितनी मिट्टी के पार्टिकल होते हैं वो पानी में ही डिजॉल्व हो जाते हैं, और जिनकी डेंसिटी मिट्टी से पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं। इस प्रकार से आप उनको पानी में कई बार दो तीन बार वॉश करके पूरी तरह से उनको फिल्ट्रेट कर लेते हैं। सेम वही मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। देखिए, होता क्या है कि जब ओर को हम जो इम्प्योरिटी के साथ मिक्स जब पानी में डालते हैं, क्योंकि ओर में मेटल्स होते हैं तो उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, और अगर उनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है तो वो पानी में नीचे की तरफ सेटल डाउन कर जाते हैं। ये रोटर क्या करता है, उस इम्प्योरिटी ओर को पानी के साथ क्या करता रहता है, मिक्स करता रहता है, और यहाँ से पानी लगातार आता रहता है, जिसकी वजह से पानी का लेयर ऊपर होता रहता है और धीरे धीरे जो इम्प्योरिटी मिक्स वाटर होता है वो लगातार यहाँ से वॉश आउट होता रहता है। और इस प्रकार से दो तीन पानी से इसको वॉश करने से हमारा ओर नीचे पेदी में कॉन्सनट्रेट हो जाता है और सारी इम्प्योरिटी उसकी वॉश आउट हो जाती है। तो इस प्रकार से हम एक हाई डेंसिटी सबस्टेंस को लो डेंसिटी सबस्टेंस से सेपरेट कर लेते हैं बाय दिस मेथड्स। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में हम विशेषकर ये मेथड तब यूज करते हैं जब हमारे मेटल दोनों की डेंसिटी सिमिलर हो, लेकिन एक मैग्नेटिक हो और दूसरा नॉन मैग्नेटिक हो, तो इस मेथड को यूज करते हैं, कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पर क्या होता है, दो व्हील होते हैं जिसमें से एक व्हील मैग्नेटिक होती है और दूसरी नॉन मैग्नेटिक होती है। उसके ऊपर एक रबड़ की कन्वेयर बेल्ट लगी होती है। अब जब ये व्हील दोनों घूमते हैं तो कन्वेयर बेल्ट भी घूमते हैं। अब यहाँ पर एक हुप के माध्यम से जितने भी पाउडर्ड ओर, यानी ओर को पहले पीस करके पाउडर बना लिया जाता है, उस पाउडर्ड ओर को जब इसमें डाला जाता है जिसके साथ दोनों इम्प्योरिटी मिक्स है, तो हम सभी जानते हैं जैसे ही, एक मिनट बच्चों, मैग्नेटिक हमारा ये है, ये नॉन मैग्नेटिक है। तो जैसे ही हमारा ओर इस मैग्नेटिक व्हील के कांटेक्ट में आता है तो जितने भी मैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं वो कन्वेयर बेल्ट पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चिपक जाते हैं, और जो नॉन मैग्नेटिक होता है वो सीधे यहीं पे सरक करके यहीं उतर जाता है। तो यहाँ पर एक नॉन मैग्नेटिक ओर का एक पाउडर मिलता है, जबकि जो मैग्नेटिक ओर होते हैं वो कन्वेयर बेल्ट में ज़्यादा देर तक चिपके रहते हैं, और जिसकी वजह से जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट इस मैग्नेटिक ओर से दूर होता जाता है वैसे वैसे वो जो पाउडर होते हैं वो कन्वेयर बेल्ट से छूटते रहते हैं और यहाँ पर एक दूसरा ढेर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम इस मेथड को हम लोग आयरन, निकल और क्रोमियम के मेटेलिक सबस्टेंस को इस मेथड से सेपरेट कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये है कि अगर हमारा कोई मेटेलिक सबस्टेंस ऐसा है जो इन दोनों मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सका तो हम उनको सेपरेट करने के लिए ये मेथड यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये एक केमिकल प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पर आधा पानी, यहाँ पर देखिए ये हमारा यूकलिप्टस ऑयल है और ये हमारा क्या है, वाटर है, और इसमें क्या होता है एक ब्लोअर पाइप लगी होती है और उस ब्लोअर पाइप में बहुत सारे होल्स होते हैं। अब होता है क्या है कि इसके अंदर हम लोग सोडियम जैंथेट डाल दें। सोडियम जैंथेट एक डिटर्जेंट जैसा एक पाउडर होता है जो काफ़ी मात्रा में झाग को बनाता है। अब हम तो क्या है कि इसमें जब हम ऐसे सबस्टेंस को, ऐसी ओर को डालते हैं जिसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटी, सल्फाइड इम्प्योरिटी की खासियत होती है कि ऐसे सभी मेटल जिसमें सल्फाइड की इम्प्योरिटी है तो अगर उसको पानी में डालेंगे तो पानी में तैरेंगे लेकिन पानी में भीगेंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है अगर इस मेथड से हम इसको डालते हैं तो पानी में ऊपर तैर के सारा वॉश आउट हो जाता। नॉन मैग्नेटिक, यह भी जान लीजिए कि जितने भी सल्फाइड ओर होते हैं चाहे वो आयरन के साथ ही कंबाइन क्यों ना, वो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं जिसकी वजह से वो यहाँ पर चिपकेगा नहीं। तो ऐसे वजह से हमारा वो सारा मेटल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो उन्हीं को बचाने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है, इसको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। यानी कि जो सल्फाइड ओर होते हैं उनकी खासियत होती है वो केवल तेल में भीगते हैं, पानी में नहीं भीगते। तो यहाँ पर तेल और पानी का क्या किया जाता है, मिक्सअप किया जाता है। अब जब हम यहाँ पर पाउडर ओर डालते हैं ऊपर से तो तेल की वजह से सल्फाइड ओर भीग जाते हैं और भीग करके वो उसी लेयर में रुक जाते हैं, जितना ये आधा तेल वाला हिस्सा इसी में रुक जाते हैं। और जबकि जो बालू, सिल्का और दूसरी हाई डेंसिटी की जो इम्प्योरिटी होती है जो पानी में डिजॉल्व हो सकती है वो धीरे धीरे पानी में आके सेपरेट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ पर इम्प्योरिटी का ढेर लगना शुरू हो जाता है और यहाँ पे सारे जो हमारे सल्फाइड ओर होते हैं वहाँ यहाँ पे रुक जाते हैं या चिपक जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं,
इस ब्लोअर पाइप में हॉट एयर फ्लो करते हैं, और जब हम हॉट एयर फ्लो करते हैं तो पानी के बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं, और ये बुलबुले तेल की सरफेस के साथ रिएक्ट करके बहुत बड़ा झाग बना लेते हैं, और उसी झाग में हमारा सल्फाइड ओम सल्फाइड इम्प्योरिटी सल्फाइड ओर क्या होता है मिला होता है। तो ये इतना ज़्यादा झाग बनता है, धीरे धीरे सारे झाग को यहाँ से वाश आउट कर लेते हैं, वाश आउट कर लेते हैं, और तब तक करते हैं जब तक सारे झाग पूरी तरह से वाश आउट नहीं कर लेते हैं, और वाश आउट करने के बाद उसमें उसको हम लोग पानी धूप में सुखा देते हैं, जो धूप में सुखा देते हैं सारा तेल बाहर निकल जाता है और हमारा ओर जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इन तीन मेथड से हम ओर को क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं।